योगी सरकार की गुंडा मुक्त समाज की छवि बनाने की कवायद में बिजनौर के बीजेपी के छोट भय नेता पलीता लगाने पर लगे हुए हैं। बिजनौर नगर पालिका में बीजेपी सभासद सातर चौधरी उर्फ रिक्की और बीजेपी सभासद पति राजेंद्र सिंह राणा व भाजपा नेता जितेंद्र राणा ने नगर पालिका की महिला कर्मचारी के आधी रात के वक्त घर जाकर जमकर हंगामा किया और गाली गलौज भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिला कर्मचारी को धमकी दी कि अब नगर पालिका के सारे टेंडर वो उन्हें ही दे, क्योंकि अब बीजेपी की प्रदेश में सरकार आ गई है। साथ ही भाजपाइयों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। दो बीजेपी नेता अप्रगति के हैं। इनमें से सभासद सातर चौधरी उर्फ रिक्की पर हत्या सहित कई गंभीर मामले के मुकदमे चल रहे हैं। ये एक महापूर्व ही हत्या के केस में जेल से जमानत पर छूट कर आए हैं। महिला कर्मचारी सोनिका नगर पालिका बिजनौर के निर्माण विभाग में कार्यरत है। इस घटना के विरोध में कल नगर पालिका में कर्मचारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी होने तक हड़ताल जारी रखने और जनपद की बिजली पानी सफाई तक बंद करने की चेतावनी दी थी। वहीं आज जिले में पालिका कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और एसपी कार्यालय का घेरावा किया। पालिका कर्मचारियों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें जेल भेज दिया जाए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हड़ताल व प्रदर्शन जारी रहेगा। निर्माण लिपि को मैं एसपी साहब से कल वाले प्रकरण के बारे में मिलने आई थी, क्योंकि अभी तक उनका जो हरजिंदर कौर के पति जितेंद्र राणा है और सार्थक चौधरी है, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये सब बीजेपी के नेता हैं और ये अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कल दोपहर से हमने तहरीर दी हुई है, लेकिन कोई अब जाके हमें चिक प्राप्त हुई है एफआईआर की और अब जाके मुकदमा हुआ है। अब हम गिरफ्तारी की मांग करेंगे, इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द। किस तरह हमला किया इन्होंने आप लोगों को? हमारे रात इनको 11:50 पे रात को घर पे हमला किया है इन्होंने और कातिलाना हमला किया है। और जब हमने पुलिस को बुलाया तो ये सब भाग गए वहाँ से। विवाद ये है कि इनको टेंडर चाहिए, ये कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, हमें टेंडर चाहिए। तो हम आपको मांग क्या है? हमारी मांग है कि इनकी सबको गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय दिया जाए। ये अभी थाने पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार इन्होंने नगर पालिका में एक महिला कर्मचारी है जिन्होंने ये सूचना दी है कि कल रात में उनके घर पर एक सभासद तथा एक महिला सभासद के पति ने घर पर आकर के इनके साथ मारपीट की और भविष्य में आने वाले टेंडरों में उनके दखलंदाजी से रोकने के लिए उनको धमकी दी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।